यूपी में अपराधियों माफियाओं पर योगी सरकार लगातार प्रहार कर रही है, चाहे अपराधी हो या बाहुबली, प्रशासन का हंटर सब पर चल रहा है। हरदोई में पुलिस ने गैंगस्टरों की 1,20,00,000 की 2 प्रॉपर्टीज जब्त कर ली। सुनो सुनो सुनो, अभी तो सूचित किया जाता है कि मुनीर पुत्र रहे निवासी ग्राम साकेत थाना कड़ियावा जनपद हरदोई एक साकेत किस्म का अपराधी है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय हरदोई के आदेश से धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर। ये दोनों आरोपी एक शातिर गिरोह के सदस्य हैं। दोनों आरोपियों पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। ये फरार चल रहे हैं, पुलिस को इनकी तलाश है। डीएम के आदेश पर गाजे बाजे के साथ कुर्की की कार्रवाई की गई। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर भी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इरफान सोलंकी की 5 करोड़ की संपत्ति एडमिनिस्ट्रेशन ने जब्त की। इरफान सोलंकी की अवैध संपत्ति गाजियाबाद में है, ये कार्रवाई कानपुर पुलिस ने की है। इरफान सोलंकी पर प्लॉट को अवैध तरीके से कब्जाने का आरोप है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।